ज्ञान वापी की सर्वे रिपोर्ट देख भड़के असुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदुत्व की गुलाम है ASI। वाराणसी स्थित ज्ञान वापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सर्वे रिपोर्ट देखकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्होंने एक स्कॉलर का जिक्र करते हुए ASI को हिंदुत्व का गुलाम बताया। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया? ASI की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञान वापी परिसर में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट की कॉपी सौंपी गई और इसके बाद मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 20 पेज की फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर बताया कि ज्ञानवापी पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। ओवैसी ने ASI की सर्वे रिपोर्ट को नकारा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ओवैसी ने ASI की सर्वे रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। ये रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययनों का मजाक उठा रही है क्योंकि ये अनुमान पर आधारित है। उन्होंने आगे एक स्कॉलर के हवाले से कहा कि ASI हिंदुत्व की गुलाम है। मस्जिद बनाने की मिली तारीख। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिर की संरचना को ढहाया गया। इसके बाद मंदिर के अवशेषों और खम्भों का उपयोग मस्जिद बनाने में किया गया। ज्ञान वापी में 32 ऐसी जगह मिली हैं जहां पर पुराने मंदिर होने के सबूत हैं।